जो मर्जी मारे, हम हाँ ठीक है, फंडामेंटलिस्ट हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम अपनी चीजों के साथ साथ जो चलिए कहना आपने, चाहते हैं ना तो चलिए आपने अपने मुंह से खुद ही स्वीकार कर लिया ये बात, क्योंकि ये भी मेरा एक पॉइंट था कि और इसकी यार वजह से चैलेंज की कट्टरता तरफ आती है। और चुप हिंदू कर भाई, यार, हाँ पूरा पट्टा जी 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 टाइम वेस्ट दफा कर रहा है करिए यार, भाई, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। इधर ठुड्डा मार, बड़क मारते हैं 1.5 क्षण, चैलेंज एग्नोस्टिक एथियस बना दूंगा, खोते दे खुर, टाइम वेस्ट कर देने आगे। लिंग की पूजा को कंपैरिजन कर रहे खतना के साथ, तेरे मुंह में दिया है खतना करके किसी मुसलमान ने, जो तुझे लगा है कि ये भी शिवलिंग है, तुम्हारे मुंह में किसी ने दिया खतना करके, उल्लू के पट्टे बेवकूफ, फिर कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो, तो फिडम उत्तवाड़े थे। चैलेंज चैलेंज 3 बार बोल रहा हूं, 3 बार बोल रहा हूं, चैलेंज कर, चैलेंज कर 1.5 क्षण, इसका मतलब है कट्टरता है, अपडेट है, ओए अपनी औकात चरवो, ठीक है ना, अपडेट करने की जरूरत है, हमें पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना, अपने काम से काम रख, चल आए हैं जी हिंदू धर्म वेरी अपडेटेड रिफॉर्म्ड वर्जन, ये रिफॉर्म्ड वर्जन दिखा रहा हूं ना मैं, ये रिफॉर्म्ड वर्जन है, स्क्रीन पे देखें, क्या 1,000 साल पहले हो रहा है ये, 3,000 साल पहले हो रहा है ये, 4,000 साल पहले हो रहा है, अपडेटेड रिफॉर्म्ड हिंदू धर्म इसमें बहुत अच्छा है, हाँ नंगा करके टल्ली बजाता है, बहुत अच्छा है, थोड़ी तो टल्ली ऐसी खड़कावांगे और नंगा भी करांगे, हाँ ये भी सुन लो, ये लड़की को क्या कह रही है, रिफॉर्म्ड धर्म आपका अपडेटेड, ये देखो ये हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन जैसे नाली की नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोगों की जात है, बोलते हैं कि मारूंगा तो उठते मुठते घरे जाओगे, बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जाति है कि जाति नहीं, लोगों का गुस्सा देख विद्यालय प्रशासन सकते में आ गया, पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए समझाकर घेराव खत्म करवाया। कहते हैं कि चमार लोग को, चमार लोग की औकात है कि हमारे घर के पीछे घास छीलने का, सभा सर आचल जायसवाल, हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली की कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चम रोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोगों को, इसके रिफॉर्म्ड धर्म अपडेटेड धर्म सबको अपनी लपेट में लेता है, वेरी ह्यूज पवित्र प्योर, नास्तिक भी इसमें, जैन भी इसमें, बुद्धमत भी इसमें, और गंध भला भी इसमें, कूड़ कबाड़ भी इसमें, गोबर और मूत्र भी इसमें, हाँ सबको कबूल किया है 1.5 क्षण। एक हिंदू जब आके हमें कहता है ना चैलेंज, तो मेरा दिल करता है मैं उसका या अपना सर दीवार में मारूं, कि किस मुंह से आके चैलेंज करता है, औकात क्या है, कहां खड़ा है, कौन सी किताब है, मानता क्या है, जानता क्या है, बताता क्या है, समझाता क्या है, और तुझे आता क्या है, हाँ चैलेंज करना है 1.5 क्षण। आगे चलते हैं जी, सीकर साहब घंटे का कह रहा हूं, चैलेंज 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 नहीं करना, टाइम जाया करना है। सीकर भैया कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ सर, सबसे पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और भैया क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर, ग्रैंड फिनाले है, सीजन 1 खत्म होने जा रहा है, कोई भी अभी तक आया नहीं आरएक्स मुस्लिम करने के लिए, क्या कीजिएगा? नहीं, मुझे तो सबसे बड़ा दुख है कि ये आप लोगों का लास्ट सीजन है, क्योंकि मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन आपके आई थिंक 6 से देखा है, 6, 7, 8, 9 एंड ये लास्ट है 10। जी जी तो सही लगता है, अच्छा लगता है। खैर मेरा सर एक सवाल था आपसे, आपने शायद अपने लास्ट एपिसोड में एक कुछ सुसाइड से रिलेटेड कुछ एक कुरान की कुछ दुआ आपने या आयत कुछ बताई थी, जिसमें मेरा एक डाउट था सर, प्लीज क्लियर करिएगा। ये मैंने अली सर के भी चैनल पे पूछा था उनसे, तो मैं उनके जवाब से ज्यादा कन्विंस नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट में उन्होंने एक जो सेंटेंस बोला था उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था। जी जी तो सर जैसे आपने सुसाइड को लेकर बताया था कि कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी बंदा सुसाइड करता है वो गुनहगार है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सुसाइड करा, खुद से अपनी जान दी, ठीक है सर। तो मेरा एक सवाल है सर कि जैसे सब लोग मानते हैं कि जो जीना और मरना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला पहले से ही लिख के लाता है कि हाँ ठीक है ये इंसान इस दिन पैदा होगा इस दिन मरेगा, तो अगर पहले से ही लिखा हुआ है कि ये इंसान इस दिन मरेगा तो फिर सुसाइड करने पे वो गुनहगार कैसे हुआ? ठीक है,
फिर सिर्फ सुसाइड पे नहीं होना चाहिए, लिखा तो ये भी था कि वो जीवन कैसे बिताएगा, फिर रेप करने वाले को पकड़ते क्यों हैं, चोरी करने वाले को क्यों पकड़ते हैं, मर्डर करने वाले को क्यों पकड़ते हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। तो सुसाइड के ऊपर फोकस किया, सोचने की बात इस वक्त पता क्या है, इसका मतलब ये है, जो ये है कि लिखा था उससे मुराद ये थी कि जो ईश्वर है उसके ज्ञान में, महान इतना है वो, उसके ज्ञान में फ्यूचर चीजें भी हैं, उसको पता है कि ये इंसान, वो चीज लिखी थी, यानी यूं समझो चले गए, भाई खुद ही गया, मैंने नहीं निकाला, चले गए शायद, आ जाए शायद खुद ही चले गए, मैंने निकाला, बरा मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है। असल में मसला ये है, जो ये प्रीडेस्टिनेशन का मसला है ना, लिखी हुई चीज का, उसका मसला ये, लोग ये समझते हैं कि लिखा है तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है, दो चीजों में फर्क समझो, ठीक है। एक है लिखा था तो वैसा ही होगा, इसे कहते हैं स्क्रिप्ट, जिस तरह डायरेक्टर जो है, राइटर जो है, वो किताब लिखता है, ठीक है, वो किताब लिखता है, और किताब लिखता है या कोई स्टोरी लिखता है, फिल्म स्क्रिप्ट लिखता है, तो वो डायरेक्टर को फोर्स करता है कि इसी तरह की ही स्क्रिप्ट और यही ट्विस्ट और यही क्लाइमेक्स रहेगा, ये बंदा मरेगा, ये बंदा, तो वो स्टोरी जो डायरेक्टर बनाता है वो स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। मगर जो अल्लाह के इल्म की बात है या ईश्वर के ज्ञान की बात है, उसमें इस मुराद ये नहीं है कि वो जो लिख देता है वही होकर रहेगा, कुरान में किसी का पर भी नहीं लिखा, वो जो लिख देता है वही होगा, नहीं, मुराद ये है कि उसके इल्म में था कि जो होगा, उसने उसको लिख रखा है, बस ये है। अब करना आपने है, इसकी बड़ी जबरदस्त एक वीडियो है बसालत आदम भाई के चैनल के ऊपर, मैं समझता हूं कि अभी तक की प्री डेस्टिनेशन और तकदीर के मामले के ऊपर मैंने जितनी एक्सप्लेनेशंस देखी हैं, बसालत आदम भाई ने मॉडर्न मेंटालिटी को, जो कि सोशल मीडिया की मेंटालिटी साइकोलॉजी है, उसको सामने रखते हुए बसालत आदम भाई ने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है। तो आप हमारे दोस्त बसालत आदम भाई के चैनल के ऊपर प्री डेस्टिनेशन की वीडियो एक आपको मिलेगी और तकदीर का मामला, उस वीडियो को जरूर देखें, चंद मिनट की वो वीडियो है, मगर उसमें बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बैक टू द फ्यूचर मूवी का क्लिप उन्होंने एक एक्सप्लेन किया कि एक बंदा जो है वो टाइम ट्रेवल करके अगली जगह पर चला जाता है, ठीक है, और वो जब आगे चला जाता है तो उसको आने से पहले इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आगे क्या हुआ था। मिसाल के तौर पर मैं अगर आज से 5 साल आगे चला जाऊं और 5 साल आगे की दुनिया को देख के आऊं और फिर टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाऊं, ठीक है, और उन 5 सालों के अंदर जो जो हुआ था मैं उसको प्रिडिक्ट कर दूं, तो लोग कहेंगे हैं इसको कैसे पता चला, तो क्या मेरा जानना और मेरा उस चीज को बताना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि आगे क्या होने वाला है, वो उन सारे के सारे इंसिडेंट्स को और उस सारे के सारे सर्कमस्टांसिस को इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं करेगा। एक बंदे का नॉलेज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसकी मिसाल यूं समझे कि एक टीचर है क्लास में, वो स्टूडेंट के हालात को देखता है और उसके बाद वो जज करता है कि ये स्टूडेंट इम्तिहान में फेल हो जाएगा। अब कल को वो स्टूडेंट कह सकता है कि टीचर ने मुझे कहा है कि तुम कल को फेल हो जाओगे, तो लिहाजा मैं फेल हो गया, तो टीचर की वजह से हुआ, ठीक है। तो सिंपल बात है, इस चीज को समझना चाहिए। मेरे भाई चले गए हैं सवाल पूछ के, तो कंफ्यूजन थी, होप कि अगर वो सुन रहे होंगे उनको चीज समझ आ गई होगी कि दो चीजों में फर्क समझे, एक है स्क्रिप्ट लिख कर उसको फॉलो करवाना और एक ये है कि जो इन फ्यूचर होगा अपने नॉलेज की बुनियाद के ऊपर उसको प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अल्लाह ईश्वर के पास कंफर्म एब्सोल्यूट नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, क्योंकि हमारे लिए उसके लिए तो सारी चीजें ओपन है। तो उसने अपने इल्म के मुताबिक वो चीज कही। इसके बड़ा जबरदस्त एक वाक्य सूरह बकरा के अंदर, जब इंसान को बनाने की बात हुई तो अल्लाह ताला ने एक बात कही थी, अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा, अपना नायब, या नायब बनाने वाला हूँ, अपना भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहां पर खलीफतन लिखा हुआ है, जमीर नहीं है कोई, खलीफत अल्लाह भी नहीं है या खलीफती भी नहीं है, हालांकि अल्लाह कह सकते थे, तो अल्लाह ने वहां पर खलीफा कहा है। ये मैं एक और एस्पेक्ट बयान कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के नायब हैं, पर वो ट्रांसलेशन वहां फिट नहीं बैठती। तो इज क़ाला रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ खलीफा इस धरती के ऊपर। तो मलाइका ने आगे से कहा, अतजअलु फीहा मन युस्फिकु दिमाअ, क्या आप बनाने लगे हैं जो खून बहाएगा, कत्ल व गारत करेगा? हम आपकी तकदीस और आपकी तहमीद बयान करते हैं, आपकी तमजीद और तकबीर बयान करते हैं, तो आप ऐसे बंदे को बनाने लगे हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते, आलमु मा ला तालमून, और फिर आगे साबित किया। और जब फरिश्तों को पता चला कि ईश्वर का ज्ञान जो है वो हर तरह से एब्सोल्यूट है और कंप्लीट नॉलेज है उसके पास,
तो उन्होंने कहा कालू सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह वाकई तू पाक है, हमें ऐब था, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, तूने जो बताया वो जेन्युइन था, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये बात उन्होंने की। आगे मैं देखता हूं कोई नॉन मुस्लिम नजर आए तो उनको ले लेते हैं। हिंदू हूं, हिंदू हूं को ले लेते हैं। जी हिंदू भैया। हेलो सर। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर, मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, क्या कहिएगा मुद्दा पर भाई? सर अगर आप मोहम्मद जी की लाइफ को देखिए तो फिर आपको लगेगा कि वो यार एक रेपिस्ट की तरह लगते हैं मेरे को। अच्छा, प्रूफ, एविडेंस? प्रूफ ये है सर, कोई आपने देखा है कभी 55 साल का आदमी एक 9 साल की लड़की के साथ लगा हुआ बिल्कुल सेक्स करे जा रहे हैं? मतलब क्या प्रूफ तो दें और प्रूफ, सर ये प्रूफ सर आपकी आपकी हदीस में ये तो आपके, हाँ दिखा दें किधर है सर। मैं मेरे को वो एग्जैक्ट उसका कोटिंग नंबर नहीं पता, लेकिन फिर जो आप झूठ बोल रहे हैं ना, फिर तो आप झूठ, देखो रेफरेंस नहीं है तो फिर झूठ है सर। ये आपके हदीस में ही है, ये तो आपको ही पता है। किधर है? आप इंटरनेट पे सर्च करिए। फिर जाकर नाइक फिर यूट्यूब पे कैसे? मेरी एक मिनट बात सुनो। हिंदू मैंने लिया, तुमने बोला जो तुम्हारे दिल में है, तुमने बोला, नो प्रॉब्लम। जो तुम्हें पता है, जो तुमने सुना है, मगर प्रूफ तो दो ना यार उसका। गंदा बोलना है, गाली देना है, मगर प्रूफ तो दो। जाकिर नाइक के पास है, मुझे दो चीजों में से एक चीज बताओ। हदीस में भी है और उसी को जाकिर नाइक ने भी कोट किया। अच्छा चलो, वो जाकिर नाइक का मुझे दिखा दो। चलो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं दिया, मैं इतना तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक का दिखा दो। चलो सर मैं कैसे दिखाऊँ फिर आपको? अब फिर मैं क्या करूं? अब तुमने अगर फिर सिर्फ ये बोलना ही था सर, तो और मुता आप देख लो उसकी मेरी बात सुनो। हिंदू रेफरेंस नहीं है, नेक्स्ट टाइम कोशिश कर लो थोड़ा सा सर, और सख्त भी बोल लेना। एक मिनट सुन लो। नेक्स्ट टाइम आना, रेफरेंस भी दे देना और बुरा भला भी बोल लेना। सर रेफरेंस है मेरे पास, आपको खुद ही पता है। सुनो तो, एक मिनट सुन लो। सुनना नहीं है ना, सुनने का मौका ही तो नहीं ना देना आपको, सुनने का मौका, रेफरेंस के बगैर सुनने का मौका नहीं देना। आप टेंशन ना लो, बुरा बोलना है, भला बोलना है, बिल्कुल बोलो, आपका राइट है भाई, जो आप बोलना चाहते हो। हम भी फिर बोलेंगे, अपनी मर्जी से बोलेंगे, ठीक है? अब हम क्या बोलेंगे वो हमारे जिम्मे है, और हम बोलते रहते हैं, उसकी टेंशन कोई नहीं। मगर मसला ये है कि हम रेफरेंस देते हैं, आपने जो बोला है उसके रेफरेंस देने हैं, मसला असल में ये है। और मुझे पता है काफी दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, खैर। जी जय भाई, कैसे हैं जय भैया? हेलो जी, जय भैया बिल्कुल आ रही है, क्या कहिएगा भैया? एक मिनट। हेलो जी, हेलो जी भैया बोलें। जी जी जय भाई बोलिए। आमिर भाई तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच रही है, वेट करेंगे। अच्छा जी, हम किसी और सनातनी भाई को देखते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। यार जगह खाली करते जाएं, जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं उनसे जगह खाली करवाते हैं। अच्छा जी, आए हैं हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड। अच्छा जी, जी भैया नमस्ते भैया। अच्छा ये तो एक बंदा लग रहा है। हाँ भैया, तो नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि जो एक्चुअल में क्या है कि मुस्लिम भाई जो है वो इन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे जाते हैं, और जो हिंदू भाई लोग हैं वो मतलब पूरा पैसा लुटा रहे हैं अपना और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एक्स मुस्लिम जितने भी मतलब नफरत फैला रहे हैं अल्टीमेटली। आप खुद सनातन है या मुसलमान है? सनातन। ठीक है, फिर बात कर लें जी। हाँ नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो हिंदू भाई हैं वो बस पैसा लुटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इन लोगों के ऊपर। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि मैंने देखा काफी सारे ये लोग कल एक एक्स मुस्लिम, वो फ्रॉडिया ही बोलेंगे अपन उनको, तो वो फ्रॉडिया क्या कर रहा था, एक आयत नंबर सूरह अल तौबा की 23 वो खोल के बस दिखा रहा, और उसमें बोल रहा कि देखो इसमें लिखा है कि हिंदू मुसलमान
दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हिंदू मुसलमान का कोई रेफरेंस ही नहीं है और पूरी वो एक स्टोरी है। फर्स्ट आयत से पढ़ना शुरू नहीं कर रहे वो लोग, वो डायरेक्टली 23 आयत और बस वही दिखाना शुरू करते हैं। इतनी नफरत फैलाते हैं ये लोग, इनका काम और कुछ नहीं है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान या जितने भी रिलीजन है वो सबको यूनाइटेड रहना चाहिए और मतलब नफरतें फैलाना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, मेरा बस यही। जबरदस्त, एक और आयत मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप सनातनी भाई हैं और आपको समझ लग गई कि ये किस तरह नफरत फैला रहे हैं, तो मैं ना आपको एक और आयत देना चाहता हूँ ताकि आपके पास एक और रेफरेंस रहे, ठीक है? तो आप उसमें देखेंगे कि क्या सारे ही काफरों के बारे में ये कहा गया है कि हम उनसे नहीं कर सकते दोस्ती या सारा मामला, ठीक है? मैं आपको एक और आयत भी दे देता हूँ ताकि आप, नहीं भाई मैंने, हाँ नहीं सूरह अल तौबा की फिर मैंने ऊपर से आयत पढ़ना शुरू करी तो उसमें वो पूरा ट्रीटी और संधि, जो ट्रीटी होती है ना ट्रीटी के बारे में है और उसमें वहां पर कुछ जंग चल रही थी उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो डायरेक्टली क्या कर रहे थे 23 आयत बस खोल के बैठ गए और बस वही उसी को उसी पे मतलब प्रोपेगेंडा पूरा चालू, उनका पैसा मिल रहा है बस, सुपर चैट आ रही है भाई, मतलब हिंदू भाई इतना बेवकूफ हो गए कि किसी से नफरत के लिए आप मतलब पैसा लुटा दे रहे हैं, ये चक्कर है। और आपका मैंने देखा, देखिए मैं आपका देख रहा हूँ, आप बिल्कुल भी पैसा नहीं ले रहे, आप ना लिंक नहीं लगाइए पेट्रोन की या पेटीएम पेपाल या जो कुछ, तो ये काम आपका सही लग रहा है मुझे, इसलिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल भाई वो लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, हमारा पैशन है, हमको अपने एक अपना मिशन से अपने शौक से अपने दिल से काम कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? एक आयत मुझे नजर आ रही थी, मैं चाहता था आपको मैं दे दूं वो आयत, अब एकदम मेरे जेहन से निकल गया है कि वो कौन सूरत इसमें है या, हाँ इसमें है, ठीक है मिल गई। हाँ ये आयत नोट करें, चैप्टर 60 है इसको, हाँ इसको ट्रांसलेशन को जरूर पढ़ना है आपने और सारे सनातनी भाई पढ़ें जो सुन रहे हैं। कल वो यही चला रहे थे कि हिंदू मुसलमान यूनाइटेड नहीं, मतलब दोस्ती नहीं कर सकता, मैंने कहा ऐसा है ही नहीं है, जब पूरी आयत ही आप गलत से पढ़ रहे हो, बीच में से उठा के कुछ भी पढ़ना शुरू कर, मतलब मैं समझ गया हूँ ये लोग बस पैसे के लिए कर रहे हैं और जितनी नफरत फैलाते हैं ना उतना ज्यादा उनके व्यूज आते हैं, एक्चुअल उनका यही एजेंडा है और अब यही रीजन है कि लोग मतलब नफरत ज्यादा देखना पसंद करते हैं आजकल। चैप्टर 60 है, वर्स 8 और 9 है, ये आप नोट डाउन कर लें और इसको पढ़िएगा, ठीक है? ओके बिल्कुल भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत शुक्रिया। अब ये भाई कह रहे हैं वो सनातनी है तो हम मान के चलते हैं वो सनातनी है भाई, अब अगर किसी को मुसलमान लग रहे हैं तो उनकी मर्जी है, हम तो उनकी बात पे मानेंगे ना भाई, हमें तो एक सनातनी आगे तकिया करता है मैं एथियस्ट हूँ, हम तो उसको भी एथियस्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, हमारा तो ये मामला है। हमारे साथ टोनी भाई है, हाँ टोनी भैया क्या कहिएगा, माइक अनम्यूट कर लो टोनी भाई, माइक अनम्यूट करिए, माफी थोड़ा देर हो गया क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं सिर्फ एक छोटा सा बोलूंगा कि श्याम स्टेलोन भाई को, श्याम भाई आप सुन रहे हैं? जी टोनी भाई बोल। सर जी एक तो आप ना कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर आप बहुत क्यूट दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को हंसी आ रही है आपको देखकर, इतने क्यूट दिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप माइक बोल दो, कैमरा ऑन कर सकते हैं? नहीं भाई कैमरा, कोई बात आज, नहीं, कोई आज, नहीं, आज 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 सुनने में आया है कि सनातन जो है वो ढूंढ रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी को, हाँ वो कुछ उन्होंने करवाना है। अच्छा खैर हमारे साथ आए हैं टोनी भाई, आप साथ रहेगा, हजरत हमारे साथ आए हैं, हजरत अहलन व सहलन मरहबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है सर जी, क्या हाल चाल है? जब भी आते हैं मुझे लगता है कोई ना कोई इस्लाह का मामला है। अगर आप चाह रहे हैं तो कर देंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे पता है एक जगह पे मेरी इस्लाह होनी चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि कोई करे तो मैं फिर उसमें अपना हिस्सा डालूं। जी हजरत जरूर, बिल्कुल चले, मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ आपकी जो मुझ तक पहुंची है। ओहो हो हो इस्लाम जब ये कहता है ना, इस्लाम में ईमान तीन चीजों के ऊपर खड़ा होता है, ईमान जो है ना जिसे बिलीव कहते हैं मानना, वो तीन चीजों के ऊपर है, नंबर वन अपने दिल से मानना, नंबर तीन अपनी जुबान से उसको बोलना एक्सप्रेस करना वर्बली, और नंबर तीन अपने जिस्म से अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करना प्रैक्टिकली, इसको कहते हैं अल्लाह में मानना, ईमान लाने की ये तीन चीजें हैं।
अगर किसी में ये तीन चीजें नहीं है वो लाख कहता रहे मैं ईमान वाला हूँ, वो ईमान वाला नहीं है। देखें जी, जो आपने फरमाया है कि अगर ये तीन चीजें किसी में नहीं है तो वो लाख कहता रहे कि वो ईमान वाला है तो वो ईमान वाला नहीं है, क्या आप उसकी तकफीर कर रहे हैं अगर कोई आदमी अमल नहीं करता? नहीं नहीं, तकफीर जो है ऑब्वियसली हजरत ये बहुत बड़ा मामला है, इसके लिए तो सरी अल्फाज चाहिए, तो ये अच्छा किया आपने रख दिया, तकफीर तो सरी अल्फाज का नाम है। ईमान ला लाने से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर कुरान में जैसे अल्लाह ताला ने तकफीर नहीं की मगर तखफीफ की है उनके उस क्लेम के ऊपर, वो एक आयत है जिसको मैंने कई दफा पेश किया है कि वो कहते हैं कि आमन्ना, ठीक है, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اسلمنا, بالکل کہ قالت الاعراب بدوی کہتے ہیں یا جو ارد گرد سے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, مگر آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ اسلم, قولوا اسلمنا, یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں ایمان تو نہیں روکنا چاہیے تھا, کہہ دیتے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو, تو اس کا مطلب ہے سرٹن کرائٹیریا تھا, ایک گول تھا یا ایک کلائمیکس تھا جس کو وہ اچیو نہیں کر رہے تھے, دیٹ مینس کہ وہ ایمان والے نہیں تھے, اسلام والے تھے ایمان والے نہیں تھے. یہ میری ہے, تکفیر نہیں وہاں بھی کی مگر اس کو نیچے کر دیا. اصل میں دیکھیں ایس آئی کے یہ ایک ہسٹوریکل اختلاف ہے, اور جس کی طرف آپ نے شاید بل ارادہ یا بلا ارادہ اشارہ کیا ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک ایمان جو ہے اس کے بنیادی طور پر تین جز ہیں. پہلا جز ہے تصدیق بالقلب, یعنی دل سے تصدیق کرنا, دوسرا جز ہے زبان سے اقرار کرنا, اور تیسرا جز ہے اعمال, یعنی عمل بالارکان جس کو کہتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک یہ جو دوسرے دو جز ہیں یہ ایمان کا کمپوننٹ نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے مان لیں ایک آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے, لیکن عمل نہیں کرتا, ایمان اس کا بھی ہے, وہ تکفیر نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں وہ بھی مومن ہے. جیسا آپ نے کہا نا اس کا وہ لاکھ کتنا کہے اس کا ایمان نہیں ہے, محدثین کا یہ متفقہ مسلک ہے. جو آپ نے مسلک بیان کیا ہے وہ معتزلہ اور خوارج کا ہے, ان کے نزدیک ایمان ختم ہو جائے گا جیسے عمل صالح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یا اقرار باللسان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیں, جی سوال ہے, ایک سوال بڑا زبردست آپ نے کہا اور کلیئر کیا, جی جو تارک الصلاۃ ہے, تارک الصلاۃ جی جی, اس کا حکم کیا آپ کے نزدیک؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ایک آدمی نے جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کا, محدثین یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ ترک صلات کو حلال سمجھتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے, یعنی عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے جائے گا کہ اس نے نماز کے ترک کرنے کو حلال سمجھا, استخفاف کی وجہ سے جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آج کون پڑھے نماز, یہ جو استخفاف اس نے کیا ہے, نماز کی شان کو گھٹایا ہے, گویا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی اس کے نزدیک, اس وجہ سے جائے گا وہ, اگر اس سے اگر اس پر بھی وہ توبہ نہ کرے, توبہ کر لے اس پر تو بھی معافی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ابن قیم الجوزیہ کی, انہوں نے جو لکھا ہے تارک الصلاۃ وما حکمہا, جی 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 جی, اس میں انہوں نے مختلف اقوال اسلاف سے ذکر کیے ہیں جس میں کئی قول ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی مستقل یعنی عقیدہ رکھتا ہے تو مستقل استمراری طور پر نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کو بھی کفر کیا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے, صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ جو چیز فرق کرتی ہے مومن میں اور ایک کافر کے اندر وہ نماز ہے, ٹھیک ہے, صحیح, کہ الفرق ما بین المسلم و بین الکافر الصلاۃ, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ نماز کا ترک کرنے والا اگر استمراری طور پر ترک کر رہا ہے, چاہے وہ اس کو یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کی تکفیر کے وہ قائل, یعنی بعض اسلاف نے ایسا قول ان کا ذکر, ہاں مطلب وہ ایک قول ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ دیکھیں ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم علی القنانس, کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کیا ہے, ہم وہ پگڑیاں پہنتے ہیں اور ہم پگڑیوں کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں. اب بتائیں کہ کیا اس کی وجہ سے کیا کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ مشرک ہو گیا ہے نا, چلیں ہاں اس کے لیے تو نسخ قطعی کی بنیاد نہیں ہے نا, جس مسئلے میں نسخ قطعی کی بنیاد ہو تو وہ بہرحال قابل توجہ تو ہوگا. تو نہیں وہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ ترک صلاۃ کے بعد جو متعمدن کا لفظ آ رہا ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ تارک صلاۃ اس نیت سے ترک کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہی استحلال ما حرم اللہ ہے, اور جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام یا جس چیز کو اللہ تعالی نے جس کی حدود طے کر دی ہیں ان حدود کی خلاف ورزی کرنا عقیدے کی بنیاد پر, یہی کفر کا باعث بنتا ہے. اس لیے میں جی جی گو اہیڈ. اچھا متعمدن میں کیا عمل کا ارادی طور پر ہونا شامل نہیں ہے, انٹینشن کا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ نماز ہے فرض ہے, وہ مانتا بھی ہے فرض ہے,
मगर मुतअम्मिदन में वो नियतन वो नमाज नहीं पढ़ रहा, इस्तमरारी तौर पर जिंदगी का ये उसूल बन गया, वो मुतअम्मिदन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता और जानबूझ कर नहीं पढ़ता, ये मतलब हुआ ना? हाँ, यानी मुतअम्मिदन लिटरल मीनिंग के अंदर। हाँ बिल्कुल, वो भी अगर देखें उसका अकीदा हमेशा यही है कि भैया नमाज मेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन वो सुस्ती काहिली कर रहा है, तो उसकी वजह से वो काफिर नहीं होगा अगरचे बिल इस्तिमरार हो। अब आप खुद ये देखें कि मान ले हम जो कौल आप जिक्र कर रहे हैं अगर हम उसी को ले लें, तो क्या नमाज में कहीं बिल इस्तिमरार का जिक्र है हदीस में? हदीस में तो सिर्फ ये है कि जिसने एक नमाज भी मन तरक सलातन मुतअम्मिदन, जिसने नमाज एक भी तर्क कर दी, अब उसमें इस्तिमरार की कहां से इजाफा हुआ? इस्तिमरार को ऑब्वियसली उसके रुकन होने की वजह से हुआ ना, दूसरे शवाहिद से। वो दूसरे शवाहिद कहां है? नहीं है ना, यानी जिन हजरात, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, जिन हजरात ने ये कहा है कि नमाज अगर बिल इस्तिमरार छोड़ेगा, मुस्तकिल की बुनियादों पर छोड़ेगा तो काफिर होगा, इस हदीस में मुस्तकिल की बुनियादों पर का जो लफ्ज है वो मौजूद नहीं है, वो एक तावील है, ठीक है। असल लिहाजा जो जो दूसरे हजरात हैं यानी जो हनाबिला से हटकर हैं, उन्होंने जो इस हदीस का मफहूम समझा है वो यही समझा है कि मुतअम्मिदन के माना ये है कि एक आदमी नमाज को इसलिए नहीं पढ़ता चूंकि वो नमाज के तर्क करने को उसकी उसके यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यानी वो उसको हलाल समझता है कि यार तो ठीक है, ओके है, इट्स ओके। वो उसके तो अकीदे में खलल हुआ ना, तो अकीदे की खलल की वजह से उसके उसकी तकफीर की जाएगी, ना सिर्फ ये कि वो ईमान से खुद बखुद खारिज हो जाएगा, अगर लोगों को बदल जाए तो उसकी तो तकफीर होगी। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, एक ये, लेकिन ये तो छोटा मसला है। उसके बाद जो आपने फरमाया है और मैं वो उसकी इस्लाह जो है वो बे इंतहा जरूरी है, उसकी वजह है कि मैं थोड़ा सा देखें अकायद के मामलात में बड़ा हसास वाके हुआ हूँ और होना भी चाहिए, और माशाल्लाह हमारे और आपके दरमियान जो है ये जो इल्मी तबादला चलता है उससे ही मुझे उसकी बड़ी कदर है, और हमारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका चैनल, मेरा चैनल, मेरा चैनल, आपका चैनल है, तो अगर कोई भी ऐसी बात हो तो कल को कोई हमें पकड़ सकता है कि भाई नहीं ये क्या बात कह दी है। तो अब मिसाल के तौर पर वो जो शख्स था जिसको आपने ये बात कही है, आगे चलकर आपने उसने पूछा कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ और मैं वैसे ही मर जाऊं, तो आपने कहा कि नहीं उसका मामला तो अल्लाह और उसके दरमियान है, तो इस मैं उससे जो बात समझ में आ रही है, हो सकता है कि आप उस कुछ और कहना चाह रहे हो, लेकिन उससे ये बात समझ में आ रही है कि एक आदमी अगर सिर्फ अल्लाह के वजूद पर ईमान रखता है और मान ले वो नबूवत का कायल नहीं है, रिसालत का कायल नहीं है, तो भी यानी बख्शिश की गुंजाइश है, जबकि मुत्तफिका जो अहले सुन्नत का अकीदा है, खुद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दरुत तआरुज में जिस चीज को नकल किया वो ये कि नबूवत के नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का जो इल्म है वो इल्म जरूरी है। इल्म जरूरी का मतलब है कि वो इररेजिस्टेबल है, वो इतना बुनियादी है कि अगर कोई आदमी खुदा की वहदानियत पर यकीन रखता हो लेकिन नबूवत पर ईमान न रखता हो और ये पता हो हमें कि उसने इस हाल में वो मरा है तो हम उसकी तकफीर करेंगे। हाँ अगर हमें पता नहीं है, हो सकता है कि आखिर वक्त में उसने पूरा कलमा पढ़ लिया हो, तो फिर वो जाने, अल्लाह जाने, हमें नहीं पता। तो मैं इसी उजर पर, इसी उजर की बुनियाद के ऊपर ये चीज कह रहा हूँ कि चूंकि हुज्जत तमाम होने का ताल्लुक गैबत के साथ है, गैब के साथ है, हमें तो नहीं पता एक बंदे पे हुज्जत। मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉलर आता है, हम पूरा जोर लगाते हैं, या कोई कॉलर है हमारे साथ नॉर्मल प्राइवेट में भी, हमें तो नहीं पता उसकी हुज्जत तमाम हुई है, हमारे इल्म में तो नहीं, तो हम उसके ऊपर कैसे लगाएंगे कि ये पक्का जहन्नमी है, यानी जन्नत और जहन्नम का हुक्म? आप ये तकफीर, तो मिसाल के तौर पर तकफीर एक ऐसा ताल्लुक है जो जाहिरी अमाल के बुनियाद के ऊपर आप करते हैं, उसमें मुझे हर, मगर एक जन्नत और जहन्नम का मामला है, उस दौरान में आप हुज्जत तमाम जब तक नहीं हुई हमें तो नहीं पता आखिर में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ये है कि हम जाहिर के ऊपर हुक्म लगाएंगे। एक आदमी ने प्राइवेटली कलमा पढ़ लिया और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह के नजदीक तो उसका ईमान कबूल है और जाहिर है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाने का मुस्तहिक है, लेकिन हमें तो चूंकि पता ही नहीं चला ना, हमारे नजदीक वो कुफर के ऊपर मरा है, लिहाजा अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि वो शख्स जहन्नमी है, लेकिन हकीकतन वो क्या है, नफ्सुल अम्र में वो दर हकीकत क्या है, वो अल्लाह ताला के इल्म है, लेकिन हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, जाहिर में जो है हम उसके एतबार से उसकी उसकी तकफीर, न सिर्फ ये कि तकफीर करेंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि वो जहन्नम में जाएगा। ठीक 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 हो गया, ठीक है, बर मैं इसमें आपसे इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, बाकी जो आपने ईमान की जो चीजें बयान की उसमें दो चीजों पर, यानी एक तो जुबान से इकरार है और एक ईमान बिल कल्ब है,
यानी दिल से ही मार रहा है। नहीं, इसका तो ईमान की जो बुनियाद है वो तस्दीक बिल कल्ब है, इकरार बिल लिसान जो है वो मुसलमानों जैसा मुआमला किए जाने के लिए शर्त है, वो ईमान का रुकन नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको दो लोगों की मिसाल देता हूं, और इत्तफाक से उन दोनों से मेरी पिछले हफ्ते बात हुई है, एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर अंदर।